सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार शंख चक्र कदाचारं गृहीत परमाजिते
प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणे नमस्ते। गृहीतोग्र महाचक्र दृष्ट्वा सुतवसुन्दरे वराह रूपिणि शिवे नारायणे नमस्ते। नृसिंहरूपे अग्रेण हन्तं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमस्ते। करीटने महावज्र सहस्रनयनाजले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्ते। शिवज्योतिस्वरूपेण अथ दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते। दशाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणे नमस्ते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्य श्रद्धभुष्टे सुधेद्रवे महारात्रे महाविद्य नारायणे नमस्ते। मेधे सर्वदेवरे भूतिभाव्रविधामसि नियते त्वं प्रसीदे च नारायणे नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिणौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभोजितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणे नमस्ते। ज्वालाकरालमत्योग्रम् अजेशासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमस्ते। हिमस्ते दत्तदेयांसि स्वनेन पूजया जगत् सखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नाशुसानिव असुरा श्रीवसा पङ्कचर्चितस्यैकराज्वलः शुभाय खलगो भवतु चण्डिकेषां नदाभयम् रोगानशेषानपहांसिदुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानाविपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतार्कितं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मादिशां देवि महासुराणां रूपेरनेकैरबहुधात्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत्प्रकरोतिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वातेषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममात्वगरतेति महान्धकारे विभ्रामयते सदेव विश्व रक्षांसि यत्रोग्रविशास्य नाग यत्रारयोदास्य बलानि यत्र दावानलोजत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं बलिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं बलिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाशयाजे त्वयिवक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीतिर्नित्यं यदा सुरपदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनिताश्च बहोपसर्गा प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेक्षे लोकानां वरदा भव। देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरं जनमनशेषत त्वं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम्। देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। देव्यो वाच देवस्वजान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ जैवानाम् उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरभ्यधिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्या हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वचयन्त्या च दानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान्
रक्ता दंता भविष्यन्ति दाढ्मेकुशपोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मत्स्य लोके च मानवा सुबन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्षदन्तिका भूयश्च शतवार्षिक्यमनावृष्ट मनम्बधे मुनिवेदन्सुधाभोम संभ्रमिष्यामि जो निज तदा जलेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा किमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्म देह समर्थवे वरिष्यामि राजागिरावृष्टे प्राणधारके साकं करेति विख्यातं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव दिशामि दुर्गमाख्या महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सौचन्द्यानम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणश्च त्रैलोक्य महाबाधं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय सर्वदं त्रैलोक्यस्थितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च महालोकः सदा शोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वाचा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि सञ्जयम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें
ध्यान ओम विद्युत्तम समप्रभामृगपते स्कन्दस्थितामृषणां कन्याविकरवालजेतविलसत् हस्ताविरासेविता हस्तैश्चक्रगदाधिकेतविशिखा चापं गुणं तर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देवोवाच देवे सवेशमां नित्यं स्तोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां वदां नाच इच्छामि सञ्चयम् मधुकेतवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्ते सन्दिले तद्फलपदं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैवक्त मम महत्तमोत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थयमेतत् उपसर्गान् जयशान्तो महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधोत्पातम् माहात्म्यं शमये मम यत्रैतद्वर्तते सम्य नित्यमायतने मम सदा नादल्यमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वममेतचरितम् औचार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिभूयां तथा कृताम् प्रतिष्ठिष्यामहं प्रीत्या भगिनी होमं तथा कृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते जा च वार्षिकी तस्यामेतन्माहत्वं श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वा बाधा विनिर्मक्ता धनधान्या सदान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहत्वं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्वशापमान् हरिभवः सञ्चयं जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जान्ति गृहपीडाश दारुणा दुःस्वप्नं च निवर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृहविभूतानां बालानां चान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षाभूतपिशाचानां वडनादेवनाशनम् सर्वममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पर्घ्यधूपेश गन्धदीपेस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजने रोमैः प्रोक्षणीयर्हर्निशम् अन्ये च विविधैर्भोजैः प्रदानैर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सर्वं सर्वे सुदे श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदेत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते धैर्यकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च जाश्च ब्रह्म ऋषिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता सहस्रो प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावग्ने परिवारितः दस्यभिर्भाविता शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वावनाश्रुभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यप्तो मध्यो बन्धगतोऽपि वा आगुर्मितो वा पातेन स्थितः पोते महार्णवे परसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषधारणे सर्वापादासु घोरासु वेदनाव्यार्जितोऽपि वा समर्ममेतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्
मम्रवावा सिंगाजा दस्य भोगरिना सदा दूरा देव पलायन्ते सरस्तरचरिता मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वान्तरदीयत देवी देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथापुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रो विनियतारिणः यत्या च देव्या नेत शुम्भे देवरभोजति जगद्विध्वंसने तस्मै महाग्रतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत् सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवशेषे भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले निर्हा सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिवृदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सङ्गोचिता पुष्पधूपगन्धादिवेशदा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सत्कुञ्जिकस्तोत्र शिरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न कलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यणं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न सुवाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणं मोहनं वज्रं स्तम्भनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ज्वल हं संलङ्क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतं हि महादेवे जपं सिद्धिं कुरुष्व ऐङ्कारे सृष्टिरूपाय ऐङ्कारे प्रतिपालिता ऋङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाटे च जेकारे वरदायिनि भिच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि दां दीं धूं दुर्जटे पतने बां भीं भूं भागदेश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 वनाशिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवानेते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं जं चं बिन्दुं ऐं विं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भूं पार्वतीपूर्णा ख्यां क्रों खे चरे तथा सा श्रीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीणां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाय पद्मराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे
नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्बन्धपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि प्राणिदुर्गे नमस्ते जगत्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायश्चित्ते अनाथस्य दीनस्य वृषणाधरस्य प्रयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो स्वमेकाग्रदिर्देवि निस्सारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगे प्रभाते स्वमेकाग्रदिर्देवि निस्सारयतु नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे सारे महासरे चन्तगोरे विभत्सागरे वजतां देहवाजां स्वमेकाग्रदिर्देवि निस्सारनौका नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे नमजन्दजन्ददर्दण्डलीला समुदकण्डदानन्दलाजेशत्रो स्वमेकागतिर्विघ्नसङ्गोहर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे स्वमेका सदारादिदासवादि नयेकाधिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा क्रीडापिङ्गला त्वं सुजमनाजनाडि नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे नमो देवि दुर्गे सदासिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूति सदाकालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे शरणमधि सुराणां सिद्धविद्यादयानां मुनितनुजवराणां व्याधिपीडितानां दशविश्रासितानां त्वमधिशरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्रीभगवते स्तोत्र जय भगवति देवि नमावरद जय पाप विनाशनि भवति जय जम्बनि जम्बकपालतरि प्रणमामि तु देवि नमामि जय चन्द्र दिवाकर जय पावक
Bravo.
प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके निदानीमनुकम्प्यो ज्योति ज्योति तथातु अज्ञानान्विस्मृते यन्योऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धे भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि सच्चें ज्योतिर्वलि माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे धरहारे की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम को उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे बंधु माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इसमें जगजन ने जगत माता का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती स्तुति करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं इस प्रकार से माँ की जिन पर कृपा हो जाती है उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है और जिस कार्य में वे अग्रसर होते हैं उन कार्यों में किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं आती है सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है जिन पर माँ की कृपा हो जाती है सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते हे नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो कल्याणदायिनी शिवा हो सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणवत्सला त्रिनेत्रों वाली एवं गौरी हो हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार ही कि माँ हम पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखना और हम भक्तों का सब ओर से मंगल करना हम सबका कल्याण करना
तो माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए भक्त जन जो है भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। और जिन पर जो भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, जिन पर माँ भगवती कृपा हो जाती है, उनके जीवन कभी अनिष्ट नहीं होता। सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता ही। और वास्तव में ये भगवती जगजन ने उन शरणागत भक्तों की सदा सर्वदा अंग संग जो है वह रक्षा करती है। शरणागत दीन अर्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाले, सबके दुखों को दूर करने वाले हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रचेतन पूर्वक इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनि संत महात्मा सभी जो है शक्ति की उपासना करते हैं, देवी देवता भी जो है इसी भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं। जब देवता पर भी कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो संकट काल में समस्त देवता गण भी एकत्रित होकर के इसी माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। और माँ भगवती जब देवता प्रसन्न होती है, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन जो है किस न किस रूप में जो भगवती का प्रादुर्भाव होता है, जो प्रकट होती है, देवता का कार्य सिद्ध करती है, भक्तों की रक्षा करती है, पापियों का नाश करती है। इस प्रकार से माँ भगवती शरणागत की सदा सर्वदा रक्षा करती है। देवता जो है जब संकट में आते हैं, तो वे भी एकत्रित होकर के सभी इकट्ठे होते हैं, फिर मां से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई कष्ट विपत्ति आए, तो परिवार एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के प्रातः काल सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगाएं, मां की आरती करें, मां से क्षमा प्रार्थना करें, मां से इस प्रकार से प्रार्थना करें, भगवती हमसे किसी प्रकार से कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, कहीं आपकी आराधना अर्चना में भूल चुकी हुई हो, तो माँ हमें क्षमा करो, हम भक्त का मार्गदर्शन करो, हम पर जो आई हुई विपत्ति जो है, विपत्ति को इस दुख को दूर करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए माँ भगवती से जब प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। हृदय से जब साधु जब प्रार्थना करते हैं, तो देव कृपा होती है, जब कृपा होती है तो उन संकटों को विपत्तियों का पता नहीं चलता, वह आई कैसे और चली कैसे गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि राजा नल हुए, आप सब जानते हैं राजा नल जो है ये बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं, और बड़े जो धार्मिक राजा हैं, धर्मशील राजा थे, और प्रजापालक राजा थे, शक्ति के उपासक थे, और इनके राज्य काल में जो है प्रजा बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म किया करते थे, वहां पर अधर्म का कोई नाम था ही नहीं इनके राज्य काल में। जहां तक कहा गया है कि राजा नल के राज्य में जो है कली के लिए कहीं स्थान नहीं था, कली को तो उसने बाहर ही निकाल दिया था। कहते हैं इस प्रकार से ऐसे जो प्रजापालक नरेश थे, राजा थे, और इनके राज्य में जो है सर्वत्र जो है धर्म का ही प्रचार था, कोई भी अधर्म पर नहीं चलता था, सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे, कोई लोभ लालच नहीं था किसी को भी। इस प्रकार से सभी जो है धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म किया करते थे। और कहते हैं कि कलयुग जो था जी राजा नल से नाराज होकर के जी चला गया था, क्योंकि इसके लिए कहीं वहां स्थान था ही नहीं, कोई अधर्म करता नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई किसी का बुरा सोचता नहीं था, इस प्रकार से इनके राज्य में धर्म ही धर्म था, कली के लिए जो कहीं स्थान था ही नहीं। इसलिए जो है अब कली जो था वह राजा नल से नाराज हो गए, रुष्ट हो गए चले गए। इस प्रकार से वह समय की प्रतीक्षा करने लगा, मुझे मौका मिले तो मैं राजा का अनिष्ट करूं, राजा का अनिष्ट करूं, कैसे भी हो जाए। तो एक बार कहते हैं कि राजा नल जो थे वह वन में, वह शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, और वन में इस प्रकार से चलते चलते उन्हें एक हंस मिला, हंस को देखा और देखते जो है उसके मन में हुआ मैं इसको पकड़ूं,
और राज ने प्रजनन करके जो है उस हंस को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, हंस बड़ा सुंदर था, हंस को पकड़ा, तब हंस ने राजा से कहा कि राजन आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपका शुभ करूंगा। इसलिए जो है राजा से जब जो हंस ने प्रार्थना की तो राजा ने उसे छोड़ दिया। वह हंस जो था वहां से उड़ा और वहां से चला, कहते हैं विदर्भ देश में चलेगी, और विदर्भ देश में जाकर के वहां के राजा की कन्या जो थी जिसका नाम था दमयंती जो थी उस समय ये राजकुमारी जो ही ये बड़ी एक प्रसिद्ध राजकुमारी थी, क्योंकि इसके समान उस समय जो है संसार में कोई जो है इस प्रकार से कोई सुंदर था ही नहीं, जितनी रूपवती थी। और कहते हैं कि इसके रूप पर मोहित होकर के जो है देवता भी चाहते थे कि दमयंती हमें मिल जाए। उस राजकुमारी के पास जाकर के हंस ने जो है इस राजा जो है नल की जो है इनके गुणों की प्रशंसा की। जब इनके गुणों की बड़ी प्रशंसा की तब जो है राजकुमारी दमयंती ने जो है मणि मन जो है राजा नल को अपना पति मान लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। पति मान लिया और सखी द्वारा जो है भी अपने पिता राजा को भी जो है ये संदेश दे दिया कि मैं राजा नल को अपना पति मान चुकी हूँ। तो राजा ने जो है स्वयं रचाया, सभी राजा वहां पर आए और जो है इस प्रकार से जब देवता जिसे पाना चाहते थे उन्हें बड़े प्रचेतन किए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में जो है दमयंती ने राजा नल के गले में जयमाला डाल दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों का विवाह हुआ, बड़े अच्छे ढंग से उनका परिवार जो है राज्य चल रहा था और राज्य जो है पूर्ण सुखी था, घर गृहस्थ में आनंद ही आनंद था, कोई किसी प्रकार, क्योंकि दमयंती ही बड़ी प्रतिभा थी और इस प्रकार से वह भी धर्म के मार्ग पर चलती थी, धर्म का पालन किया करती थी और घर में प्रतिदिन जवघान की देव आराधना पूजा भगवती की उपासना हुआ करती थी। माँ की कृपा से इनके दो संतानें थी, एक पुत्र और एक बेटी। अब जो है कहते कि एक बार जो है राजा नल जो था अपने भाई के साथ जुआ खेलने लगा। जब जुआ खेल रहा था तो जो है अब कली को मौका मिला, क्योंकि कली का निवास होता है जुगे में, द्योत में जो है कली का निवास होता ही। अब जो है कली को जब मौका मिला, अब तो मैं ही इसका अनिष्ट कर सकता हूँ, तो अब जो है कली आकर वहां बैठ गया और जो है इस प्रकार से अब राजा नल जो थे हर पारी में वह हारते गए। ऐसा समय आया कि अपना राज्य हरा, सब कुछ हार गए और उसके भाई ने ही केवल मात्र राजा और रानी को एक एक वस्त्र दे करके घर से अर्थात राजमहल से बाहर निकाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहां राजा और कहां आज रंक हो गए जी, उसका पता नहीं चलता कब किसके जीवन कैसी परिस्थिति आ जाती है। तभी कहा है कि धर्म का त्याग न करें, सदा सर्वदा भगवती की शरणक धोकर के उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि जब भगवती महामाया की जिन पर कृपा हो जाती है उन पर संसारिक माया का प्रभाव जो है वह नहीं होता। अब जो है राजा नल और रानी दमयंती जो है और राज्य से बाहर हुए और अपने बेटे और बेटी को जो है उन्हें तो विदर्भ में भेज दिया अपने नाना के घर, और स्वयं जो दोनों अब वन में भटक रहे हैं और धर धर के ठोकरे खा रहे हैं, भूखे प्यासे कुछ खाने के लिए नहीं है, वन में भटक रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति हुई कि ऐसे चलते चलते कहते हैं कि वन में जो है एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। राजा नल और दमयंती जो है अब रानी थक चुकी थी, भूखी थी, प्यासी थी, जब वृक्ष के नीचे में बैठी और बैठे बैठे से नींद आ गई और वहीं पर सो गई। जब रानी सो गई इतने वहां पर कली जो था, कली जो है एक पक्षी का रूप धारण करके आया, पक्षी भी कैसा सोने का पक्षी जो है इसका ऐसा रूप धारण कर करके अब कली जो है राजा के सामने आया। जब सभी जानते हैं कि सोने का पक्षी नहीं होता, जब विपत्ति काल आता है तो तब जो है बुद्धि भी काम नहीं करती। भगवान राम जो है
जो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, सोने का हिरण नहीं होता है। सीता कहती है जो सोने का हिरण है, जो मुझे चाहिए पकड़िए इसको, तो राम जी उसके पीछे दौड़ पड़े। जी कम पत्ति आज कुछ पता नहीं चलता, चाहे वह कोई अवतार है, चाहे कोई परिवार है, कैसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, विपत्ति कब आ जाए इसका पता नहीं चलता। चाहे कोई राजा महाराजा है, चाहे कोई संत महात्मा है, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी जो है वह विपत्ति में फंस जाते हैं। कारण इस भगवती महामाया के द्वारा इस सारा संसार जो है, सारा जगत जो है, ये मोहित किया गया है। इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब जो है क्या होगा, कली ने पक्षी का रूप धारण किया और वो भी कैसा सोने का, ऐसा दिखाई रहे बिल्कुल सोने का है, पक्षी है। राजा से देख कर मोहित हो गए, सोने का पक्षी है। अब जय मन में हुआ इसको मैं पकड़ लूं, तो एक ही वस्त्र था पास में, तो धोती जो है एक धोती रानी को मिली है, एक राजा को जो है, और राजा ने अपनी धोती उतारी और किस तरह से पक्षी के ऊपर फेंक करके जो है उसे पकड़ना चाहा, परंतु पक्षी जो था वह तो कली था। जैसे धोती उस पक्षी के ऊपर जो उसने फेंकी, वैसे ही वह कलिक रूप में प्रकट होगा, वह पक्षी जो था उस धोती को लेकर के उठ गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक वस्त्र था तन में, वह भी नहीं रहा। ये परिस्थिति हुई राजा की। अब जो है रानी तो सो रही थी, कोई होश ही नहीं, और राजा को भरा अब क्या करूं। कहते कि रानी की आधी धोती जो फाड़ करके उसे स्वयं पहना, और फिर रानी को बिना जगाए ही उसे वहीं पर छोड़ करके, वैसी परिस्थिति में छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर गए, वहां से चल पड़े। अब चलते चलते दूसरे वन में जा पहुंचे, वहां देखा कि वन में आग लगी थी। आग लगी हुई थी, एक करकोटक नाम का जो है सांप, नाग जो था, बहुत बड़ा जो नाग था, जो उसके आगे पीछे इर्द गिर्द आग लगी हुई है और बीच में नाग फंसा हुआ है। उस क्रकोटक नाम के नाग ने जो है राजा से कहा कि राजन आप मुझे बचाइए, इस जहां से मुझे निकालिए, सुरक्षित स्थान पर रखिए, मैं आपका शुभ करूंगा। अब जो है राजा ने जो है जड़ से, क्योंकि अब जो है नाग जो संकट में था, तो राजा जो है जड़ से जो है आगे बढ़ा और जो है उस नाग को उठाया और सुरक्षित स्थान पर रखा। जैसे ही नाग को सुरक्षित स्थान पर रखा तो नाग ने उसको डस लिया। राज ने कहा मैंने आपकी रक्षा की, परोपकार किया, उसका बदला मुझे ये दिया आपने कि मुझे ही काट लिया, और काटते जो है राजा के शरीर का रंग जो था एकदम काला पड़ गया। नाग ने कहा मैं कोई सामान्य नाग नहीं हूं, मैं क्रकोटक नाम का नाग हूं, मेरे काटने से आपका शरीर जो काला पड़ गया है, मैंने आपका शुभ किया है, अब आपको कोई पहचानने का नहीं, मेरे काटने से आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके शरीर का रंग काला हो गया है, अब जो है आपको कोई पहचानने का नहीं कि आप जो है राजा नल हैं। और जे लो एक वस्त्र दिया, ये वस्त्र लो, इसको स्वीकार करो, और जिस समय आप इस वस्त्र को पहनोगे तो आपको अपना रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसको कोटक नाग ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जो है इस वस्त्र को पहनोगे तो आपको अपना असली रूप जब प्राप्त हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और राजा जो है वहां से चला, कहते हैं वहां चलते चलते अयोध्या में जा पहुंचे। अयोध्या के राजा जो थे ऋतुपर्ण, वहां पर जा पहुंचे और वहां जाकर के नौकरी कर ली। नौकरी क्या की, रथ आंकने की सारथी, रथ आंकने की नौकरी कर ली। राजा के पास रहने लगे, राजा तो था ही और अश्वविद्या से आती थी, राजा उस पर बड़े प्रसन्न रहते थे। अब जो है वहां रहते कुछ समय बीता, उधर जो है रानी जो थी किसी तरह से वह भड़कते भड़कते जो है अपने पिता के घर में विदर्भ देश में जा पहुंची। वहां जब जो है राजा को सारा पता चला, तब जो है उन्होंने यही प्रत्येक राज्य में जो है ढिंडोरा पिटवा दिया। पहले तो अपने सेवकों को भेजा कहीं जाकर के पता करो कि राजा कहाँ चले गए।
अब खोज करते करते उनका एक सेवक जो था अयोध्या में आ पहुंचा और बाबर और उसने देखा तो राजा को उसने पहचान लिया। पहचान तो लिया परंतु का रूप बदला हुआ था। जाकर के जो है राजा से कहा, महाराज अयोध्या में जो है जो राजा जो ऋतुपर्ण जो है उनका जो सारथी है वही राजा है नल है, उसका रूप बदल चुका है परंतु मैंने कुछ दिन वहीं पर रह करके उसे देखा है कि वे राजा नल ही है आपके जमाता है। तब जो है राजा ने जो है सभी राज्यों में जो है डिरोड़ा पिटवा दिया कि जो है रानी का पूना स्वयंवर दमयंती का स्वयंवर जो रच दिया और एक ही दिन का समय रखा और वहां पर अयोध्या के राजा को भी निमंत्रण दिया गया। अब राजा एक दिन का समय था, अब जो ही राजा नल जो थे वह तो अश्व विद्या भली प्रकार जानते थे और समय से पहले ही राजा को विदर्भ देश में पहुंचा दिया। वहां पर पहुंचे फिर रानी दमयंती ने जो है भली प्रकार परीक्षा कर करके जो है ये जान लिया कि यही मेरे पति रूप बदल चुका है। तब कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा ने जो है जब उनका पूजन किया उन्हें पहचान लिया तब उसने वस्त्र जो था धारण किया वह असली रूप में आ गए। उधर जो है राजा अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण को जब पता चला ये तो राजा नल थे जो कि सभी राजा उनके सम्मान करते थे तो उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कई बार प्राय बतलाता हूँ सुख और दुख जो है जिस जीवन में आते जाते रहते हैं परंतु जब विपत्ति है दुख है तो अपना धैर्य मत खोइए और कभी धर्म का त्याग मत कीजिए। जैसे चलने के लिए जो है दो पैर जो है अनिवार्य हैं ऐसे ही जीवन जीने के लिए भी सुख और दुख दोनों ये जरूरी है। दुख में ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। अब पांडु के जीवन में दुख है, माँ सीता के जीवन में दुख है, राम के जीवन में दुख है, भगवान कृष्ण के जीवन के उनके जीवन में दुख है। ऐसी बात नहीं है कि सुख दुख अगर बना है पाप पुण्य बना है तो इस प्रकार से कभी जो है जैसे संसार में जब जो है सृष्टि प्रारंभ हुई तो उस समय पाप और पुण्य दोनों सृष्टि पर आए। उस समय जो है सत्व गुण की वृद्धि थी और तमोगुण की जो है वृद्धि नहीं थी, वो कम था, पाप कम था और जब पुण्य ज्यादा थे। और धीरे धीरे जैसे कलयुग आने लगा और धीरे धीरे जो है अब जब पुण्य कम होना शुरू हो गए और पाप बढ़ना शुरू हो गए। कहते हैं कि इस प्रकार से अब जो है संकट आया, संकट का समय जो जाने का भी समय आ गया। अब जो राजा के जीवन में सुख आया अब जो है वहां के राजा ने भी उनकी जो है पूजा की, सम्मान किया। अब जो है कहते हैं कि अश्व विद्या जो थे राजा ऋतुपर्ण ने उससे सीखी और द्यूत विद्या जो थी उसे सिखाई और पुनः अपने भाई के साथ द्यूत क्रीड़ा खेल करके जो है उसने अपना राज्य जो था पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। पुनः राज्य की प्राप्ति फिर सुख आया। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा नल के जीवन में जो है क्योंकि राजा नल के जो पुण्य श्लोक जो है जो जानते हैं ये पुण्य श्लोक प्रातः काल जिनका पाठ किया जाता है इस प्रकार से इनका भी उसमें नाम आता है। राजा नल के जो है कहते हैं कर्कोटक नाग दमयंती नल और जो है ऋतुपर्ण राज ऋषि इनका कीर्तन करने से जो है कली का प्रभाव जो है ये नहीं होता। इनका स्मरण करने से कली का प्रभाव जो है ये नहीं होता। इस प्रकार से यह राजा जो थे जिनके जीवन में ऐसे कष्ट विपत्ति है तो कहते हैं कि उस संकट काल में इन्होंने माँ भगवती का स्मरण जो नहीं छोड़ा। इस शक्ति की उपासना जो वे करते रहे, माँ से प्रार्थना करते रहे और थोड़े समय में माँ की कृपा से जो है पुनः इनको खोया राज्य मिला, खोई ही अपनी पत्नी जो थी वह भी प्राप्त हो गई, परिवार बच्चे मिल गए और सब कुछ यह ठीक हो गया। इसलिए जीवन में घर गृहस्थ में कभी कोई कष्ट है कभी विपत्ति है। मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि कई बार कुछ लोग जो है कभी कष्ट विपत्ति आती है तो यही इस प्रकार से वह भयभीत हो जाते हैं कि जानता कि वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या जो समस्या का समाधान नहीं होता, आत्महत्या जो महापाप है क्योंकि हर संकट का समाधान जो इसी शरीर से होते है। ये मनुष्य शरीर जो है ये बड़ा दुर्लभ है और बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं और शरीर रहते हुए यदि आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए
तो फिर शरीर के बिना उन समस्या का समाधान आप कैसे कर पाओगे? जब शरीर नहीं रह गया, आत्मा अजर है, अमर है, फिर जो दूसरे शरीर में जाती है, और जब तक जितनी आजू मिली बस समाप्त नहीं होती है, तब तक आत्मा को दूसरा शरीर मिलता भी नहीं। इसलिए जो है, जब बिना शरीर के आत्मा हो जाएगी, फिर उसे भूख लगी, प्यास लगी, परेशानी आएगी, उन परेशानियों का सामना कैसे कर पाएगी? शरीर रहते हुए ही आप सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जो है, कई पत्तियों को कष्ट आए तो माँ के शरणंग धो करके माँ की भक्ति कीजिए, खूब भक्ति कीजिए। भक्ति से ही पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और संकट विपत्ति दूर होती है। पांडव वन में रहते हुए भक्ति करते थे, सत्संग करते थे। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में क्या करते थे? संतों का संग, सत्संग करते थे, और इस प्रकार से वहां भी रह करके इस प्रकार साधना किया करते थे, और तब जाकर के रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि जीवन में माँ भगवती की आराधना शक्ति उपासना जो सर्वोपरि ही, क्योंकि माँ जो है सर्वपूज्य सर्वमान्य है, और जो इस माँ के शरणंग धोकर के माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन पहली बात तो कभी कष्ट विपत्ति आती नहीं, और यदि कोई कष्ट आ भी जाए तो उन कष्ट का विपत्ति का पता नहीं चलता वह आई कैसे और चली कैसे गई, जो माँ के शरणंग धोकर के सदा सर्वदा माँ पर भरोसा करते हैं, और माँ पर उन्हें जो सच्चा जो श्रद्धा है, विश्वास है, इस प्रकार से माँ के शरणंग धोकर के माँ की साधना करते हैं, उनके जीवन माँ की कृपा से मंगल मंगल होता, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता। बोले सच्चे दरबार की जय। समय अधिक चुका है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपुर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपुर जी। जयकारा शिरावली बोल सच्चे दरबार की जय। तू बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी, तू बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी, हाँ तू बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी, तू बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी, मैया दे भक्ति से मांगे जो
झुके धन था
रे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय सबको प्यार मैया दर खोल दिया मैया बांटती सबको प्यार दर खोल दिया ओ मैया बांटती सबको प्यार मैया दर खोल दिया मैया बांटती सबको प्यार मैया दर खोल दिया ओ थारे बोलो जय जयकार मैया दर खोल दिया मैया करती भव से पार मैया ने दर खोल दिया ओ मैया करती भव से पार मैया ने दर खोल दिया ओ मैया करती भव से पार मैया ने दर खोल दिया मैया करती भव से पार मैया ने दर खोल दिया ओ माँ के दर पे झुके तन सारा के दर पे झुके तन सारा मैया ने दर खोल दिया चेहरे पे कुदरती नूर है दर्शन करने से मिलता जरूर है ओ दर्शन करने से मिलता जरूर दर्शन करने से मिलता जरूर ओ देखो माँ के चेहरे पे कुदरती नूर है दर्शन करने से मिलता जरूर है ओ दर्शन करने से मिलता जरूर दर्शन करने से मिलता जरूर ओ मैया बांटती खुशियाँ हजार मैया ने दर खोल ओ मैया बांटती खुशियाँ हजार मैया ने दर खोल दिया ओ मैया बांटती खुशियाँ हजार मैया ने दर खोल दिया मैया बांटती खुशियाँ हजार मैया ने दर खोल दिया ओ सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया ओ माँ के दर पे झुके सन था सबको करे स्वीकार मैया ने दर खोल दिया मैया सबको करे स्वीकार मैया ने दर खोल दिया ओ माँ के दर पे झुके सन सार झुके सन सार ओ
शर्मा के दर पे झुके किधर चली माँ शेर सजा के जंगल हवा फुला दे हार आजा मंदर नो किधर चली माँ शेर सजा के जंगल नो I'm
दरबारा श्री राम लीला बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा श्री राम लीला सच्चे दरबार की जय। मैं बाजा मारिया दर ते खलो के तुम आए मेरी इक ना सुनी। मैं बाजा मारिया दर ते खलो के तुम आए मेरी इक ना सुनी। मैं बाजा मारिया दर ते खलो के
आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव शर्मांज सस्मे भव प्रज्ञा भान भव भोर भूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनरत है सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सबला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रु नाम बुद्धि नाशस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस आज समारोध्यमाविदा शुभमान महियते धनं धन्य पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से सम्मानित करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय ब्रह्मा जी ओम जय अम्बे गौरी
मैया की को मृग मन को Oh,
बुद्धि धन वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे धर्म की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी, मां भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, खंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। सौभाग्यमारोग्य देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो देहि, यशो देहि ध्वजो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मान्य मान मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना, आनंद करो कल्याणी कल्याण, जो सतगड़ी जो चरदा ध्यान जय
भगम चक्र गणेश जापगम शूलम शंखम सुंदर शिंकरेश सर्वांग भूषा विदामे घंटा शक्ति पसंद धर्म जलजम घंटा सुराभजन शूलम बाज दुदर्शन सदरते हे प्रसन्नाय नाम सेवे शेरमर्दनी लक्ष्मी सरोजस्थिता घंटा शूलहलानि शंख मुद्रे चक्रम गणो सायकम अच्छा देश त्रिंगणांत विलसन श्वेता सुनिया प्रभा गौरी धेय समस्तवाम जगता आधार भूता पूर्वा वक्र सरस्वती वनवज शुंभादि देवताग्नि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव वन्नो जुतका तुमेव विद्या दर्णं तुमेव तुमेव सर्वं वनदेव देव शांताकारं भगवशरणं परमदागं सुरेशं विश्वाधारं गरुणसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्रानंदं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं माधवं गोपिकावयवं भारती मार्गं शुभं सन्दं हरे हरे मयेतमारे गोविंद गोपाल मातृकिशोरे ज्ञानं प्रजे शरणं प्रजे विद्या प्रजे भगवन् नमोस्तुते विद्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचकुला रानी माता तेरी सदा कृपदा बला कृत बाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्राम देने वाली माता तेरी सदा गुना चुका माफ करने वाली माता निवास करने वाली माता तेरी सदा शंकरा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो वाणियों में सद्भावना हो वाणियों में सद्भावना हो वाणियों में सद्भावना हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का ज्ञान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव शिदर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जतरा शरवलिता बोलता है नमः की जय। आइए दर्शन करें।